नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के सबसे भरोसेमंद और नंबर वन न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर, और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। आज हम बात करेंगे प्रदेश में चल रहे राजनीतिक हालात की। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। हर राजनीतिक पार्टी अपने विरोधी को चुनावी मैदान में पटखनी देने के लिए अपने किले को मजबूत करने में जुटी हैं। जहां सत्ताधारी बीजेपी ने मेरा परिवार भाजपा परिवार अभियान के तहत हर घर वोट मांगने का अभियान शुरू कर दिया है, तो खुद सूबे के मुखिया मनोहर लाल चुनावी मैदान में उतर गए हैं। वहीं भी इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला और नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला भी अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने में लगे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के नई नवेली पार्टी जेजेपी ने भी अपनी चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। उधर कांग्रेस हाईकमान ने भी हरियाणा में जीत दर्ज करने के लिए बड़े स्तर पर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश का प्रभार वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को सौंपा है, और इसी सिलसिले में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी लगातार दोबारा से सत्ता में वापसी के लिए प्रचार कर रणनीति बना रहे हैं। पूर्व सीएम हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा के कांग्रेस विधायक चुनाव में विरोधियों को मात देने के लिए रणनीति बना रहे हैं, तो वहीं पूर्व सीएम हुड्डा ने कांग्रेस को सत्ता पर दोबारा से काबिज करने के लिए पहल भी तेज कर दी है। तो पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने चुनाव से पहले पूरी कांग्रेस को एकजुट हो जाने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में पूरी शक्ति से लड़ने की घोषणा भी की। संगठन की लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। जो भी होगा, जैसे चुनाव होगा, तो पार्टी एक होकर लड़ेगी, और पार्टी का नेतृत्व हरियाणा का फैसला क्या करना है वो हाईकमान ने करना है। राहुल जी को प्रस्ताव पास करके दे रखा है, जैसा वो फैसला करेगी। तो वहीं पूर्व मंत्री गीता भुक्कल ने भी चुनावी तैयारियों को लेकर मंगलवार को दिल्ली में हुई बैठक के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही उन्होंने चुनाव में पूरी एकजुटता के साथ आने की बात भी कही। मैम, आज फिर एक बार मीटिंगों का दौर रहा है, तमाम जो विधायक हैं हरियाणा कांग्रेस के आज यहाँ मौजूद थे, किस तरह का रहा? गुलाम नबी आजाद से भी कुछ लोग मिलकर आए हैं, क्या अपडेट है आप लोगों के पास? देखिए, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के रेजिडेंस पे, चाहे विधायक हो या पार्टी के मौजूद व्यक्ति हो, ये रूटीन है। हम रूटीन में ही यहाँ पर आते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि अब नज़दीक विधानसभा लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, तो इसी प्रकार से रूटीन मीटिंग आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के रेजिडेंस पर हुई है। आपसे आज़ाद साहब से वो हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनाए गए हैं, तो वही राजनीतिक मुद्दों को लेकर ही, राजनीतिक व्यक्ति है तो साफ सी बात है राजनीतिक मुद्दों को लेकर ही उनसे सभी MLAs के सभी साथियों की बातचीत। आला कमान तो आला कमान है, और कोई उनके खिलाफ क्या बोल सकता है, लेकिन आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के निवास स्थान पर आना हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारे नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और उनके निवास पर आना जो है एक रूटीन हम लोगों का एक कार्य रहकर हम लोग हमेशा आते रहते हैं। हम लोग तो सर्वमान्य मान ही रहे हैं, बाकी भी मान जाएंगे। तो सुना आपने, एक होने की बात यहाँ पर जरूर कही जा रही है, लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या हुड्डा की पहल पर जो कांग्रेस पार्टी है वो एक हो पाएगी? ये कुछ अहम सवाल आज इंडिया न्यूज हरियाणा पर हम उठा रहे हैं। दरअसल वर्तमान स्थिति में क्या बीजेपी को टक्कर कांग्रेस दे पाएगी, ये एक और महत्वपूर्ण सवाल है, और बीजेपी की बूथ लेवल तक की जो तैयारियां हैं उसका कांग्रेस के पास क्या जवाब है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। साथ ही प्रदेश में विपक्षी पार्टियों के बीच में दरअसल कांग्रेस खड़ी कहां पर है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल इंडिया न्यूज हरियाणा पर हम उठा रहे हैं। तो आज बड़ी बहस में इन्हीं सवालों के जवाब को खोजने की कोशिश होगी और समझने की कोशिश होगी कि क्या हुड्डा जो पहल कर रहे हैं उस पर कांग्रेस पार्टी एक हो पाएगी। इसके अलावा वर्तमान स्थिति में बीजेपी को कांग्रेस क्या टक्कर दे सकती है, और बीजेपी की बूथ लेवल तक की तैयारियों का कांग्रेस के पास क्या जवाब है, और प्रदेश में विपक्षी पार्टियों के बीच कहां कांग्रेस खड़ी है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए, अब बड़ी बहस के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। एक मेहमान का पैनल मेरे साथ मौजूद है, मैं परिचय एक एक करके आपका करवा देता हूं। हमारे साथ जवाहर यादव जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जुड़ रहे हैं। जवाहर यादव जी, बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा उमेश भाटी जी हमारे साथ, प्रवक्ता इनेलो जुड़े हुए हैं। उमेश भाटी जी, आपका भी बहुत स्वागत। विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता जेजेपी। विवेक चौधरी जी, आपका भी बहुत स्वागत। तरुण भंडारी जी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, जुड़ रहे हैं। तरुण भंडारी जी, आपका भी बहुत स्वागत। और शिव कुमार शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। शिव कुमार शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं
करूंगा तरुण भंडारी जी आपसे ही, क्योंकि कांग्रेस की आज हम लोग बात कर रहे हैं। कांग्रेस को जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा एक होने की बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सारे जो पार्टी है वो पूरी एक होकर के चुनावी मैदान में जाएगी, कड़ी टक्कर देगी, कहां पर खड़ा हुआ पा रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी को, पहला कमेंट मैं आपका चाहूंगा। बिल्कुल आयुष जी, सभी जितने भी हमारे लीडर साहिबान हैं कांग्रेस के, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, अशोक तंवर जी हों, किरण चौधरी जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, कुलदीप बिश्नोई जी, कैप्टन अजय, सब लोग इकट्ठे हैं और सब लोग कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कार्यरत हैं और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियाँ उसके खिलाफ लगातार संघर्ष पिछले चार साढ़े चार वर्ष से कर रहे हैं, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो सड़क हो। तो आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, चाहे वो केंद्र के वादे हों चाहे प्रदेश के वादे हों, उनमें उन वादों को पूरा करने में वो विफल रही है, और दूसरी तरफ INLDA जिसके परिवार में ही दो फाड़ होने के कारण दो पार्टियां बन गई। तो कांग्रेस आज हरियाणा में मजबूत स्थिति में है और आने वाले लोकसभा और विधानसभा में कांग्रेस की जीत होना निश्चित है। ठीक है तरुण भंडारी जी, क्योंकि आपने इनेलो की बात की तो मैं उमेश भाटी जी आपके ही पास आ जाता हूं। कांग्रेस पार्टी को दरअसल कितना चुनौती के तौर पर आप लोग देख पा रहे हैं, कहां खड़ी हुई है और आप लोग की कितनी तैयारियां, किस तरीके से निपटेंगे, आपका पहला रिएक्शन? देखिए, मैंने अभी तरुण जी को सुना, तरुण जी ने एक बात कही कि इनेलो के दो फाड़ हो रहे हैं, इनेलो कमजोर हो गई है। देखिए, इनेलो के जो दो पार्टी बननी थी वो काफी दिन पहले बन चुकी है और हमारे यहाँ बहुत बिल्कुल क्लियर है कि दो पार्टियां बनी, JJP अलग है, इनेलो अलग है और दोनों पार्टियां अपनी मेहनत कर रही है, अलग अलग मेहनत कर रही है, इनेलो अपनी मेहनत कर रही है, जजपा अपनी मेहनत कर रही है। लेकिन दिक्कत कहाँ है भंडारी जी के यहाँ पर, कि भंडारी जी के यहाँ पे जो है जो 7 CM है, हुड्डा साहब अलग से CM है, वहाँ पे रणदीप सुरजेवाला जो अभी कांटा निकाला इन्होंने वो अलग CM है, शैलजा जी वहाँ पे अलग CM है और कई इतने सारे नाम है जो CM की लाइन में है और वो एक ही जगह पे है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये देखिए कि किसी की टांग टूट जाती है, किसी का सर फूट जाता है, लेकिन दिखाते ही है कि हम लोग एक है। किस तरीके से जींद के इलेक्शन में एक कांटा निकाला है ये सबके सामने है, इनका जो एक पना है वो हमारे कम से कम अलग होके अलग अलग अपनी पार्टियां बना के पूरी मेहनत कर रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये एक ही जगह रह के किस तरीके से छुरा लेकर एक दूसरे के पीछे घूम रहे हैं ये किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि हर आदमी चाह रहा है कि CM बनू, कार्यकर्ता तो कोई बनना चाह ही नहीं रहा है। तो इतने सारे CM को इकट्ठा लेकर तरुण भंडारी जी अगर ये कहते हैं कि कांग्रेस मजबूत है और इनेलो कमजोर है, तो मेरे समझ से बाहर है ये बात। ठीक है, जवाहर यादव जी आपके पास आ जा रहा हूं मैं। जवाहर यादव जी, किस तरीके से देख पा रहे हो खासतौर से भूपेंद्र हुड्डा ने जिस बात को कहा कि पूरी पार्टी एक है, एक साथ मिलकर हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं पहले इस पर। देखिए, तरुण भंडारी जी से पूछा गया था कांग्रेस की गुटबाजी पर और वो लेकर चले गए थे BJP पर, तो आज का मुद्दा तो कांग्रेस की गुटबाजी है जी। जिस दिन भाजपा की होगी चर्चा कर लेंगे, कल भी हुई थी आगे भी कर लेंगे। अब मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस अच्छी बात है, कांग्रेस एक हो रही है, परंतु 6 अक्टूबर 2016 को मेरे मित्र तरुण भंडारी जी कैसे भूल जाएंगे, जब इनके प्रदेश अध्यक्ष को जिनको मारा गया, पीटा गया, जो लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिट हुए और कांग्रेस के खुद कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये मेरे अध्यक्ष को इसलिए मारा गया कि ये दलित थे, वहाँ दबंगई दिखाई गई। तो 6 अक्टूबर 2016 जवाहर यादव को तो याद है, और अगर प्रदेश अध्यक्ष भूल जाते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता। फिर अगर उन्होंने इनके खिलाफ FIR कराई थी अशोक तंवर जी ने, तो उस अगर उन्होंने ये मान लिया कि गुटबाजी खत्म हो गई, तो क्या उन्होंने अपनी FIR वापिस ले ली? या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये मान लिया कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो अन्याय हुआ था वो गलत हुआ था और मैं उसकी माफी मांगता हूँ? अगर ये नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि ये केवल दिखावटीपना है। तो इसलिए अगर ये मानना कि कांग्रेस एक हो जाएगी, मुझे तो लगता नहीं, जो तथ्य मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं जी। इसी तरह जब रणदीप सुरजेवाला जी जो हारे और उसके बाद 5 फरवरी 2019 को उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने बयान ये दिया था कि मुझे हराने में कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों का हाथ है, उन्होंने उसमें काम नहीं किया और केंद्रीय नेतृत्व उस पर देखेगा। ये मैं फरवरी की स्टेटमेंट बता रहा हूं, जो जींद उपचुनाव के बाद 5 फरवरी को उन्होंने अपना बयान दिया था। तो वास्तव में तो कांग्रेस ये है जो मैंने आपको बताया, उसमें चाहे फिर कैप्टन अजय यादव जी के बयान हो, उसके अलावा चाहे बाकी और अन्य लोगों के बयान हो, उसके आधार पर अगर ये लगता है कि मेरे मित्र प्रवक्ता तो कहेंगे कि हमारे यहाँ एकता है, परंतु नेताओं के स्वर एक नहीं है। आज चुनावी मोड़ पे सब राजनीतिक पार्टी आ चुकी है,
उसमें मुझे और एक एक मैं आप मुझे देंगे तो मैं एक बाइट सुनाता हूँ आपको 9 सेकंड की, ठीक है, जिसमें कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता जी आपकी बात का मैं जवाब दूंगा, तरुण भंडारी जी को भी थोड़ा सा समय मुझे देना होगा, लेकिन उससे पहले मैं सर जवाहर जी मैं आऊंगा, जवाहर जी आऊंगा, आप बाइट निकाल लीजिए, बाइट सुनाइएगा, केवल एक सेकंड, मैं विवेक चौधरी जी के पास चला जा रहा हूँ। जवाहर जी थोड़ा सा समय का मुझे ध्यान रखना पड़ता है, बड़ी बाध्यता है मेरे पास समय की। विवेक जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। विवेक जी कहां पर कांग्रेस पार्टी को आप खड़ा पा रहे हैं, और खासतौर से जिस एकता की बात भूपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि वाकई में क्या कांग्रेस पार्टी एक हो सकती, कहां खड़ा पा रहे हैं? आयुष जी कांग्रेस को हमने कहां खड़ा पाना है, हरियाणा की जनता ने खड़ा कर दिया, जींद चुनाव में जींद की जनता ने खड़ा कर दिया, तीसरे नंबर पे आई है, और किस तरह से उसके बाद बयानबाजी आनी शुरू हुई इन्हीं के नेताओं की, वो आपसे भी छुपी नहीं है, हमसे भी छुपी नहीं है। आज भंडारी जी कह रहे हैं कांग्रेस एक है, अगर कल को हुड्डा साहब के हाथ में कमान आती है तो क्या भंडारी जी उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं? मैं तो एक ही बात जानता हूं, कांग्रेस अलग अलग गुटों में बंटी हुई है, जो पिछले दिनों देखने में भी आया। अगर आप करते हैं बात शैलजा गुट, तंवर गुट, हुड्डा गुट, कितने गुट हैं, कोई गिनवाने लग जाओ तो शाम हो जाएगी। और ये देखने की बात यह है कि आज हर कोई अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट कर रहा है। जो जींद में इनके हालात हुए हैं, रणदीप सुरजेवाला का जो इन्होंने कांटा निकालने का काम किया, उसके बाद कैथल जाके जो उन्होंने अपने बयान दिए कि मेरे साथ सीनियर नेताओं ने जो किया वो सही नहीं किया, और भी बहुत कुछ बातें निकल के सामने आई, किस तरह से हुड्डा साहब ने बीजेपी को वोट डलवाने का काम किया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज दूसरों को कुछ कहने से पहले भंडारी जी को अपने घर में झांक लेना चाहिए कि कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है। आज के दिन कांग्रेस अलग अलग गुटों में बंटी हुई है, और उस अध्यक्ष तो तंवर साहब को कभी कांग्रेसियों ने माना ही नहीं, इन्हीं के दूसरे प्रवक्ता आते हैं जो कहते हैं मैं तो हुड्डा साहब का ग्रुप का हूं। आज के दिन अगर कोई बात है तो कांग्रेस आज कहीं भी स्टैंड नहीं करती, तीसरे नंबर पे जींद में आई है और तीसरे नंबर पे वहां रहेगी, हरियाणा में रहेगी। आपकी बात का मैं जवाब, ठीक है विवेक जी, हम तो सरकार बनाने जा रहे हैं जनाब, ठीक है विवेक जी आपकी बात का मैं जवाब लूंगा, लेकिन मैं शिव कुमार शर्मा जी आपके पास भी आ जाता हूँ। शिव कुमार शर्मा जी आप एक पत्रकार हैं, जरा आप पत्रकार होने की दृष्टि से बताएं कहां पे आप कांग्रेस पार्टी को खड़ा पा रहे हैं, और खासतौर से जो तैयारियां अन्य पार्टियों की हैं अगर उस लिहाज से कंपेयर किया जाए तो कांग्रेस पार्टी आपको कहां पे नजर आ रही है? आयुष जी एक बात बताना चाहूँगा कि जब जींद उपचुनाव में राहुल जी की तरफ से सुरजेवाला जी का जो टिकट कंफर्म किया गया था, उसके बाद ऐसा लगा था कि जितने भी गुटबाजी कांग्रेस के अंदर चल रही है इस पर कहीं ना कहीं आके विराम लग जाएगा, लेकिन जो रिजल्ट सामने आए उसको देख के तो और ज़्यादा लग गया कि इसमें जिस तरह उसके बाद में आंकड़े साबित हुए हैं और खुद कैंडिडेट सुरजेवाला ने भी इशारे किए कि मेरे साथ भी गद्दारी हुई है। तो एक बात ये और मैं आपको यहाँ पे पीछे लेके जाता हूँ, क्योंकि जब हुड्डा साहब सरकार में थे, कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, तो उन पे पूरे हरियाणा से रोहतक और सोनीपत इलाके को छोड़ के बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से आरोप लगते रहे कि वो ज़्यादा फोकस रोहतक सोनीपत पर कर रहे हैं, और ये जो विधानसभा का चुनाव हुआ है ये रोहतक सोनीपत लोकसभा के क्षेत्र में आता है जहाँ को लेके हुड्डा साहब का गढ़ माना जाता है ये रोहतक, और ये कुल मिलाकर 18 सीटें हैं जहाँ हुड्डा साहब का दबदबा है, तो उसमें ये भी शामिल था। तो वो वहाँ पे किस तरह से कैंपेन में लूज कर गए, कहाँ उनकी बात नहीं सुनी गई, या फिर जिस तरह से सुरजेवाला जी ने विधानसभा चुनाव में कहा था कि भाई अगर मुझे आप जिताते हो तो जींद का सीएम होगा, ये होगा, मैं सब कुछ छोड़ के यहीं से करूँगा, कहीं वो चीज़ें गुटबाजी को जो है ख़त्म न करके और ज़्यादा उसमें बढ़ावा मिल गया, क्योंकि हुड्डा साहब भी सीएम के पद के दावेदार है, किरण चौधरी उधर से हैं, जितने खुद सुरजेवाला जी दावेदार हो गए तो दावेदारी बहुत ज़्यादा है, अशोक तंवर ही खुद है, जबकि अशोक तंवर तो ये कह रहे गए थे कि भाई ये तो सुरजेवाला जी जो टिकट है मैं दिला के लाया हूँ, तो उसके बाद में वो खुद दावेदारी सीएम ही कर रहे हैं, तो ये फैक्टर जो है एक में एकता की बजाय और वो गांठ जो है बढ़ गई, यही कारण रहा कि जजपा ऊपर आ गई, क्योंकि जाट बोर्ड को मजबूती के साथ में नहीं पकड़ पाए कांग्रेस ही, वो छिटक के जजपा की तरफ चला गया, और यहाँ पे एक जींद ही ऐसी सिटी विधानसभा है जहाँ पे जाट वोट ज्यादा हैं, अगर हुड्डा साहब या सुरजेवाला ये फैक्टर जाट वोट में अगर जाता तो यहाँ पे सीट निकालने की संभावना बनी रहती, क्योंकि बीजेपी लगातार नॉन जाट के सिस्टम को, विचारधारा को, जिस तरह से सीएम साहब को पंजाबी कह देना या पुरानी चीजें जो रोहतक के जो कांड हुए थे वो छलना, तो फैक्टर जाट नॉन जाट का आया था। तो मेरे ख्याल से अगर कांग्रेस एकजुटता दिखाती तो ये जींद का जो उपचुनाव जी सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए, अब ये भविष्य के गर्त में है, अब ये कैसे आगे प्लानिंग बनाएंगे,
अगर यहाँ पे ये लोग एक नहीं हुए तो तरुण जी से जवाब देता हूँ। तरुण जी, जो आरोप लगा रहे हैं तमाम जो आपके विरोधी हैं, जो विपक्षी हैं, वो जो आरोप लगा रहे हैं और खासतौर से जो गुटबाजी इससे पहले देखने को मिली है, क्या राहें इतनी आसान हैं और वाकई में जो गुट हैं उनको एक मंच पर और एक साथ ले आना और सबका एक साथ लड़ना, थोड़ी तो राहें मुश्किल नजर आ रही हैं? भंडारी जी, आयुष जी, क्योंकि सभी लोगों ने कांग्रेस की कोई चर्चा कांग्रेस के ऊपर है तो मुझे समय चाहिए सब लोगों का जवाब देने के लिए। सबसे पहले मैं INLD के प्रवक्ता अपने भाई का जवाब देना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि पार्टी 2 महीने पहले अलग हो गई थी, आज मेहनत कर रहे हैं और 3000 वोट तक ये पहुंचे, आगे इनका कोई वजूद नहीं है। और ये कह रहे हैं हमारे कई CM हैं, हमारी प्रजातांत्रिक पार्टी है, आपकी परिवार की पार्टी है और परिवार भी दो फाड़ हो गया, आपके तो एक ही मुख्यमंत्री परिवार की पार्टी। मैंने आपको बड़ा धैर्य से सुना था, मैंने बड़ी शांति से सुना था, जो भी आपने बोला था चर्चा सुन लीजिए। पहली बात पे जो मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, आपकी तो एक पारिवारिक पार्टी थी, परिवार में भी दो फाड़ हो गए, 2 मुख्यमंत्री बने, 2 पार्टियां बन गई। अगर आपके 7 मुख्यमंत्री होते तो 7 फाड़ हो जाती। हमारी प्रजातांत्रिक पार्टी है, हर आदमी अपना हक जता सकता है। परंतु मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी हमारे मुख्यमंत्री के कई कैंडिडेट थे, वहां जिसको बनाया सबने मान्या किया और मान के ही उस व्यक्ति का साथ दिया, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे अशोक गहलोत जी हो, भूपेश बघेल जी हो। और हरियाणा में भी आप ये देखिए, जब जब कांग्रेस की सरकार आई है, 2005 में भी यहां 10 मुख्यमंत्री के दावेदार थे, परंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बनाया तो सब लोगों ने माना ये। और आप टांग टूटने की और बात करते हो, आपके तो अभी कब्जे नहीं छूट रहे, आप तो अपने अपनी जगह पे कब्जे करने में लगे हुए हो। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 6 अक्टूबर और 2 अक्टूबर की बातें याद करवा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि एक विपक्षी दल के प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक हुआ, हमने एक एप्लीकेशन पुलिस में दी, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, हॉस्पिटल में ये कार्रवाई किसके कहने पे ये रुकवाते हैं, क्योंकि सेंटर में इनकी गवर्नमेंट थी, हमने धरना प्रदर्शन किया तब जाके FIR दर्ज होती है। FIR दर्ज होने के बावजूद भी हमने कितने नाम दिए, इन्होंने कौन सी कार्रवाई करी, किसके प्रेशर में इन्होंने राजनीति करी, वो ये इनकी विफलता दिखाती है। और गुटबाजी, जवाहर यादव जी, अगर विपक्ष में हो तो जनता के ऊपर कम इफेक्ट आता है, अगर सरकार में गुटबाजी हो तो जनता पीटती है। जिस ढंग से आपने 4.5 साल जनता को पीटा है, मैं बताना चाहता हूं कि इस ढंग से आपका तो जब ओथ सेरेमनी हुई थी मुख्यमंत्री जी की, नहीं सुनिए, मेरे को जवाब देने दीजिएगा मेरे को, क्योंकि समय ज्यादा चाहिए। ठीक है, अरे तरुण जी, जब आपकी ओथ सेरेमनी हुई थी, पहली बार हुआ कि आपके अनिल विज जी मुख्यमंत्री जी से हाथ मिलाए बगैर वो हाथ आगे करते रहे, वो निकल गए। और आपके तो अभी राजकुमार सैनी आपके ऊपर कितने इल्जाम लगा चुके हैं, आप उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाए। आपके करनाल के सांसद कुछ भाषा का इस्तेमाल करते हैं, राव इंद्रजीत सिंह जी आपके मुख्यमंत्री की रैली में आपके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, और जब स्ट्राइक होती है ट्रांसपोर्ट की तो आपका कोई भी मंत्री मनाने नहीं जाता। ये ठीक है तरुण जी, अब आपकी बात का जवाब लेता हूं मैं। ठीक है, समय मैंने दे दिया आपको। ठीक है जवाहर जी, जवाहर जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे, उसके बाद उमेश भाटी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जवाहर जी, देखिए, हाँ, मेरे मित्र ने ये कहा कि 6 अक्टूबर 2016 की जो घटना है उस पर क्या किया, तो हम कितने संवेदनशील हैं, आप अपने अध्यक्ष जी से पूछिएगा, खुद मुख्यमंत्री जी उनका हालचाल जानने के लिए राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल गए थे, नंबर एक, और मैं भी उस समय साथ था। दूसरा, मेरे मित्र ने कहा कि वहाँ के प्रशासन ने दिल्ली का मामला, दूसरा ये कहते हैं चलो हम पे आरोप लगा लेते हैं कि वहाँ पर, देखिए मैं अपने बीच में, अरे सर मैं अपनी बात कर लेता हूँ। दूसरा, आप हम पे ये आरोप लगा लीजिए कि हमने वहां FIR नहीं होने दी, जबकि हमारा वहां मामला नहीं, फिर भी लगा लीजिए। परंतु सर, जिन्होंने अटैक किया वो तो आपके ही कार्यकर्ता थे, हम आपके प्रति असंवेदनशील हो सकते हैं, परंतु कांग्रेस आपके प्रति असंवेदनशील क्यों हो गई? और आज चर्चा कांग्रेस की गुटबाजी की हो रही है, ना कि भाजपा की। जिस दिन भाजपा की होगी मैं उत्तर दूंगा। और दूसरा, मेरे मित्र मुझे बताए, सर एक दशा करता है, आप बीच में बताइए, मैं आपके बीच में नहीं आया था, मुझे एक ये उदाहरण दे दीजिए कि सदन में नेता श्रीमती किरण चौधरी हैं, किरण चौधरी के कहने पे कब आपके विधायक आ गए, उनको सदन का नेता मानते हुए किसी मीटिंग बुलाई किरण चौधरी नहीं जी ने, वो अकेली रह जाती है और सारे के सारे विधायक हुड्डा साहब के पास चले जाते हैं। तो सर, ये तो मैं उसको बता रहा हूं कि आपकी गुटबाजी ये है।
मेरे से सवाल करेंगे जिस दिन मेरी पार्टी की चर्चा होगी बिल्कुल उत्तर दूंगा। उस दिन जवाब विषय को मत बताइए। बिल्कुल जिन्होंने अशोक तंवर जी पे हमला किया था उनका आपने क्या किया वो हमें बताइए। उमेश भाटी जी आप भी कुछ पूछना चाह रहे थे, आप भी अपना सवाल ले लें, उसके बाद में जा रहा हूँ तरुण भंडारी जी के पास। विवेक जी आ रहा हूँ आपके पास। मैं भंडारी जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। भंडारी जी ने कहा कि कांग्रेस जो है वो लोकतांत्रिक पार्टी है, लेकिन जवाहर याद आप देखेंगे नेहरू जी के बाद में इंदिरा गांधी के बाद में राजीव गांधी के बाद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जिस तरीके से अभी उतारा है, लॉन्च किया है इन लोगों ने, वो सबके सामने है किस तरीके से इन्होंने किया है। और ये कहावत तो गांव के अंदर ही मशहूर है कि कांग्रेस की तो घास भी बुरी है, अगर घास भी अगर किसी खेत में लग जाती है तो उस खेत को खत्म कर देती है। ये तो इतनी पार्टी की बात कर रहे हैं। प्रवक्ता भी अगर आप देखोगे, प्रवक्ता भी अलग अलग पार्टी इनके जो है ना अलग अलग गुट के बने हुए हैं। तवर गुट के प्रवक्ता अलग है, ठीक है, उमेश जी समझ गया मैं आपका सवाल, आपका सवाल समझ गया मैं ले लूंगा। लगाते हैं इनके जी, उमेश जी आपका सवाल मैं ले लूंगा। ये मान के चलिए विवेक जी पूरी गर्त में घुसी हुई है कांग्रेस पार्टी। विवेक जी पहले तो मेरे को भी बहुत मैं कहूंगा सिंपथी है कि तंवर जी को पीटना तो गलत था। चलो पुरानी बात होगी, पहले अपनी सिंपथी की बात करो। आपका परिवार आपस में, आप लोग तो पीट रहे हैं। बीच में नहीं बोला सिंपथी तो हमें भी आपसे है। भंडारी जी मैं आपके बीच में नहीं बोला तो ना बोले यहाँ पे। दूसरी बात, भंडारी जी ने मानने का काम किया कि कांग्रेस में गुट है, अपने आप इन्होंने कहा कि गुट है और सारे स्टेट में है। यहाँ पे जो बात है आज तंवर जी की बात ये भंडारी जी रखेंगे क्योंकि उनके पक्ष के हैं, हुड्डा साहब की बात ये नहीं करेंगे। और इन्हीं के साथी कहते हुए पाए गए हैं कि जो गलतियां सरकार के टाइम में हमारे से हुई हैं वो आने वाले टाइम में नहीं होंगी, हुड्डा साहब ने जो गलतियां की वो नहीं करेंगे। और समय समय पर अगर देखा जाए तो हुड्डा साहब के ऊपर इनके अटैक इसी तरह रहे, इनके अटैक हुड्डा साहब के ऊपर जुबानी रहे, हुड्डा साहब के अटैक किस तरह से हुए फिजिकली हुए वो आप सबके सामने है। पर उस बात को अगर आप छुपाना चाहो तो भंडारी जी छुपेगी नहीं। आप हमारे ऊपर क्या एलिगेशन लगाते हो, हमारी तो पार्टी 50 दिन पुरानी है और दूसरे नंबर पर जींद में आने का काम किया। आने वाले समय में आप देखिए, आने वाले समय में आप देखिएगा सरकार बनाने का भी काम करेंगे। आप हमें क्या कहते हैं, हमारी ठीक है। शिव कुमार शर्मा जी, एक बहुत अहम सवाल यह है कि ठीक है जो आरोप प्रत्यारोप हैं ये चलते रहेंगे क्योंकि आज कांग्रेस की गुटबाजी की बात हो रही है तो सारे जो हमारे प्रवक्ता लोग मौजूद हैं वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक एक करके जो आरोप हैं वो लगा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर बीजेपी की तैयारियों की बात की जाए और खासतौर से जिस बूथ लेवल तक तैयारी बीजेपी की है उसमें आप हरियाणा के अंदर सभी पार्टियों को कहां खड़ा पा रहे हैं, क्या आपको नजर आ रहा है कि जो तैयारी बीजेपी की बूथ लेवल तक की है उस तैयारी में कोई आसपास आपको अन्य पार्टियां नजर आ रही हैं? निसंदेह पहली बार पूर्ण मौजूदगी के साथ में जो बीजेपी इन हरियाणा में गवर्नमेंट बनाई, हरियाणा गवर्नमेंट की मैंने जो लगातार देख रहा हूँ कि सरकार के साथ साथ संगठन पर भी काफ़ी फोकस किया जा रहा है। पार्टी से के जो एक जो जो एक नींव जो बूथ लेवल का जो कार्यता है उसको मजबूत और उसको एक तरह से टिकाऊ बनाने का काम बीजेपी की गवर्नमेंट से किया गया है। सबसे बड़ी बात एक है कि पहली ऐसी सरकार मैंने देखी है कि वहाँ पे जो सरकार बनने के बाद में मंत्रालय अलग हो जाते हैं, वो आता है जो विधानसभा में चुने हुए मेंबरों को मिल जाते हैं, लेकिन संगठन को बराबर तवज्जो दी गई है क्योंकि संगठन की तरफ से तमाम प्रकोष्ठों का चेयरमैन बनाना, निगमों का चेयरमैन बनाना और भी जितने हैं जो पिछले कांग्रेस सरकार में ऐसा नहीं हुआ। तो इस तरह से बीजेपी ने संगठन पर काफ़ी काम किया है, ये नो डाउट है। और उधर कांग्रेस की तरफ से पिछले 10 साल में संगठन को एक हाशिए पर रखा गया क्योंकि एक उस समय के बाद उन्होंने हुड्डा सरकार में निगम हो चाहे अध प्रकोष्ठ हो उन पर नियुक्तियां बहुत ही कम की गई थी जी। इसके बाद में अब जब से अशोक तंवर हुड्डा साहब के बीच में जो एक तनाव चला है तो यहां पे भी संगठन को मजबूत करने में एक तरह से ये काफी पीछे चली गई कांग्रेस क्योंकि अभी भी हुड्डा साहब कहते आ रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस का संगठन पूरी तरह से खड़ा नहीं हुआ, इसीलिए अशोक तंवर को बदला जाए। ठीक है, तरुण भंडारी जी यही सवाल मैं आपसे भी पूछता हूं क्योंकि आप चाहे आप बीजेपी की बात कर लें, बूथ लेवल तक तैयारी, मेरा परिवार, भारतीय जनता परिवार, इस तरीके से जो अभियान है वो शुरू हो चुके हैं, ओम प्रकाश चौटाला अलग अपनी जो ताल है उसको ठोंक रहे हैं, दरअसल इन सारी चीजों के बीच में आप लोग अभी भी गुटबाजी और सारी पार्टी को एक करने और इन सारी चीजों पर फोकस कर रहे हैं, इस सारे लिहाज से अगर देखा जाए तो आपको नहीं लग रहा कि कम से कम जो चुनौतियां अन्य पार्टियों की तरफ से आप लोग को मिल रही हैं वहां पर आप लोग कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं? आयुष जी सबसे पहले मैं आपकी बात का ही जवाब दे दूं। आपने संगठन की चर्चा करी
और हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने भी संगठन की चर्चा करी, तो मैं संगठन के बारे आपको जानकारी दे दूं। आज से पहले डॉक्टर अशोक तंवर जी के बनने से पहले हमारे यहाँ पे 10,000 पद हैं सभी प्रकोष्ठों को मिला के, और सभी प्रकोष्ठ 40 के 40 प्रकोष्ठों में जिलावार ब्लॉकवार सभी अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी बन चुकी है, और अभी 210 पद जो हैं जिला अध्यक्ष और ब्लॉक के अध्यक्ष वो अभी बनने, वो भी 2-4-5 दिन में बन जाएंगे, और हमारे सभी बूथों पे BLA बन चुके हैं और सारी बूथ कमेटियां कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके अलावा एक शक्ति ऐप जो कि आदमी अपने मोबाइल से रजिस्टर कर रहा है, 1,00,000 से ज़्यादा लोग अपनी इच्छा के साथ कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके हैं। ये है हमारे संगठन की ताकत। और दूसरी बात, अभी मैं प्रवक्ताओं की बातों का जवाब दे दूं। सबसे पहले मैं JJP के भाई की बात का जवाब देना चाहता हूं क्योंकि पहले मैं रह गया था। ये सिंपथी की बात कर रहे हैं, सहानुभूति की बात कर रहे हैं कि डॉक्टर अशोक तंवर जी के ऊपर लाठी चली तो हाँ इन्हें सहानुभूति है। आप तो चुनावी इसी बात पे लड़े हो, आपको तो घर से निकाल दिया गया, आपके दादा दादी आपके बारे क्या बोलते हैं, आप तो उनके नहीं हो पाए, उनकी सिंपथी आप लेते हो, कभी किसी बात की सिंपथी, ये तो आपके जो पेट डायलॉग होता है वो आपका हो चुका है। और आप दूसरे नंबर पे आगे इतनी वाहवाही लूट रहे हो, आप तो वहां पे पहले नंबर की पार्टी थी, आपका परिवार वहां से जीता हुआ था। अब आप सुनिए, आप सुनिए, मैंने आपको आपको बड़ा बड़ा अच्छे ढंग से सुनाया, ये चर्चा का ढंग नहीं है। आप बताइए कि हुड्डा साहब ने नई नई पार्टी में आए, विवेक जी सुनिए, विवेक जी आप सुन लीजिए, फिर जब तरुण जी सुन रहे थे आपकी बात तो विवेक जी आप भी सुनिए, आप काउंटर करिएगा, आपको समय मैं दूंगा, लेकिन तरुण जी की बात तो सुनिए, विवेक जी सुनिए, समय में इतना ऊंचा बोल के कुछ नहीं होगा चर्चा में। सुनिए सुनिए विवेक जी, सुन लीजिए विवेक जी, सुनिए, ऐसे चर्चा का कोई, ऐसे चर्चा का कोई महत्व नहीं, आप सुनिए पहले। जो आपका परिवार सहानुभूति ले रहा था, जहां आप सहानुभूति ले रहे थे कि हमें परिवार से निकाल दिया गया, हमारा हक मार लिया गया, आप उसका जवाब दीजिए, आपको ज्यादा चर्चा करने की इतनी पुरानी पार्टी की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, INLD के प्रवक्ता बात कर रहे थे, गांधी परिवार के नाम ले रहे थे, इंदिरा गांधी जी, राहुल गांधी जी, इनकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, 89 के बाद इस देश में कभी भी गांधी परिवार का कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। हमने मनमोहन सिंह जी को 10 साल प्रधानमंत्री बनाया। सुनिए, आप अपने वक्त में बोलिए, आप बता दीजिए आप किसी और को मुख्यमंत्री बना दोगे? नहीं, कभी नहीं बनाओगे। आप गांधी परिवार का आप रीस नहीं कर सकते। उन्होंने 10 साल मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनवाया, लाल बहादुर शास्त्री जी बने, और कई हमारे अध्यक्ष भी राष्ट्रीय बन चुके हैं। आपके तो कोई भी आदमी चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं ले सकता, आपका बड़ा बेटा अगर नाम लेता तो आप तो उनको पार्टी से निकाल देते हो। और घास की बात कर रहे हो, इनेलो का सब लोगों को पता है आप कितने साल से इसीलिए बाहर हो कि आपकी किस तरह से गुंडागिरी मशहूर थी। आप घास की, कांग्रेस घास की बात करते हो, आपका तो राजपाट 15 साल से ना है, आपने 6 चुनाव हरियाणा की जनता ने आपको हरा दिया, अभी 3,000 वोट आए हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें ना कीजिए। और जवाहर यादव जी आप अशोक तंवर जी का हाल चाल पूछने आए थे, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं, मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि आप आए, बड़ी अच्छी बात थी। परंतु आपने रोहतक में जब लोगों के घर जलवाए तब भी आप हाल चाल पूछने गए थे, पंचकूला में जब दंगे हुए तब भी आप हाल चाल पूछने गए थे, आपने बरवाला में जब दंगे करवाए तब भी आप हाल चाल पूछने गए थे। हाल चाल पूछने तो आप जाते हो, परंतु जाते कब हो? जब क्राइम हो चुका होता है और उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लेते आप लोग। सरकार का दायित्व था कि जिसके खिलाफ हमने FIR दर्ज की थी आप तब बोलते, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी होती तब बोलता। आपका दर्द तो अभी ताजा ताजा, आप तो हरा भरा है, आपका दर्द तो ताजा ताजा है, आप अपना दर्द देखिए। उमेश जी मैं आयु जी आपके चैनल के माध्यम से भंडारी साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आ रहा हूं सर, विवेक जी, अभी आपने देखा होगा राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को जो कांग्रेस बताती है, अगर आपने देखा होगा यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर जो गठबंधन किया और किस तरीके से वहां पर कांग्रेस के लिए, कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी का तो आपको ज्यादा पता है। भंडारी जी, जब मैं नहीं बोला जो है ना, किस तरीके से मात्र 2 सीट छोड़ी इनके लिए, जैसे कोई भीख डाल देता है झोली में कि भाई ये 2 सीट ले लीजिए, क्योंकि ये पता है कि ये जो सीटें हैं जो गांधी परिवार जहां से लड़ता है ये जीत नहीं पाएंगे अगर वो 2 सीट नहीं छोड़ते हैं, तो वो 2 सीटें भी इनके परिवार के लिए छोड़ी गई थी वो, तो इनकी क्या हालत है राष्ट्रीय पार्टी की? ठीक है तरुण जी, आप जवाब दीजिए, ठीक है तरुण जी, आप जवाब दीजिए, तरुण जी आप जवाब दीजिए, ठीक है विवेक जी आपकी बात भी मैं लूंगा, पहले एक बार एक एक करके हो जाए, नहीं तो फिर मुझे ज्यादा समय देना पड़ता है, आप लोग फिर शांत बैठे रहते हैं। प्रवक्ता कैसे राजनीति की परिभाषा कर रहे हैं,
मैं इनको दुरुस्त कर दूं, इनका ज्ञान दुरुस्त नहीं है, पहले भी ज्ञान दुरुस्त किया, अभी ज्ञान दुरुस्त कर रहे हैं आप। आ रहा हूं जवाब जो है ना, आप सुनिए, फिर आयुषी आप जवाब देना चाहते हैं। उमेश जी अगर आप सुनेंगे नहीं, उमेश जी फिर उमेश अगर आप सुनेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं, फिर सवाल उठाने का कोई फायदा नहीं, सवाल उठाने का कोई फायदा नहीं। आप सुनिए तरुण भंडारी जी, जो आपने सवाल उठाया उसका जवाब तरुण भंडारी जी दे रहे हैं, आप सुनिए। उमेश जी सुनिए, आप पहले उमेश जी सुन लीजिए, तरुण भंडारी जी क्या करें। इनको मैं बता दूं, हमारा उनके साथ अलायंस नहीं हुआ, हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, जो दो सीटें उन्होंने छोड़ी, सुनिए, कोई मजबूरी नहीं है, दो सीटें छोड़ी हमने, उनके साथ अलायंस किया ही नहीं। ठीक है विवेक जी, करो ठीक है विवेक जी, सुनिए आयुष, ठीक है विवेक जी, विवेक जी ठीक है, उमेश जी हो गया, समय दे दिया मैंने आपको, विवेक जी ठीक है, उमेश जी समय दे दिया मैंने आपको, तरुण जी और उमेश जी, नहीं खड़ा तो नहीं हो मेरी बात, ठीक है तरुण जी और उमेश जी, आप विवेक जी ठीक है, आयुष जी मुझे जवाब दे रहे हैं, आप मेरे को देश को खोखला करके रखा है, आयुष जी आयुष जी आयुष जी, ये लोग बोल आयुषी सर, एक एक करके आप लोग बोले ताकि ये चर्चा सार्थक हो सके, एक एक करके बोले आप लोग, सुनिए यार, नहीं तो मुझे मजबूरन फिर एक लोग की आवाज डाउन करवानी पड़ेगी, फेडर ऑफ करवाना पड़ेगा, मजबूरन मुझे ऐसा करना होगा, आप लोग एक एक करके बोले, अपने वक्त में राम चंद्र गलत बात है, सुनिए मैं बता रहा हूँ, इन्होंने तो भीख मांगी बहुजन समाज पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से ये भीख मांग रहे थे, इन्होंने तो भीख का कटोरा इनका साइड पे कर दिया, ठीक है उमेश जी अब आप शांत हो जाइए, उमेश जी और तरुण जी मैं आप दोनों लोगों से कह रहा हूँ, उमेश जी और तरुण जी मैं दोनों लोगों से कह रहा हूँ, तरुण भंडारी जी, तरुण भंडारी जी ऐसे नहीं होगा, तरुण भंडारी जी ऐसे चर्चा नहीं होगी, आप शांत हो पहले, तरुण भंडारी जी आप शांत हो तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, ठीक है। गौरव विवेक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप पहले अपना सवाल पूछे उसके बाद मैं जवाहर जी के पास जाऊंगा। ये संगठन की बात करते हैं भंडारी जी, इनके संगठन को तो इनकी पार्टी का दूसरा गुट नहीं मानता, ये साइकिल लेके चले थे, साइकिल कहीं रास्ते में ही पंचर हो गई, साइकिल पे कोई नहीं चढ़ा, ये बातें तो कर रहे हैं ये, जब तंवर साहब मीटिंग बुलाते हैं इन्हीं के एमएलए उस मीटिंग में नहीं जाते, आप बताइए कौन सी अध्यक्ष की बात कर रहे हैं आज यहाँ पे, ये कुछ कह रहे हैं, ज्ञान बहुत बांट रहे हैं, मैं तो कहूंगा भंडारी जी को अपने दूसरे प्रवक्ताओं को भी ये ज्ञान दीजिए, ठीक है, जब वो डिबेट पे आते हैं वो दूसरी बोली बोलते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे संगठन की बात ना कीजिए, संगठन आपका है कहाँ, ठीक है जवाहर जी, जवाहर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं। ऐसा है, हाँ, तरुण भंडारी जी ने कहा हम गए उन पे आरोप लगाए, परंतु मैं ये कह रहा हूँ मित्र, हमने मान लीजिए आप आरोप लगा रहे हैं कि हमने पुलिस कार्रवाई नहीं की होगी, आरोप नहीं लगाए, परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ आपने उन कार्यकर्ताओं को क्या किया जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पर हमला किया, नंबर सर मैं, अरे मैं बीच में देख सर मैंने सुना, एक बार सुनिए प्लीज, उस पर आपने क्या किया ये आपको बताया नहीं, आप विषय भाजपा पे ले जाते हैं, आपने क्या किया उसका नहीं बताया, नंबर एक। दूसरा, इन्होंने तीन घटनाओं का जिक्र किया, इन्होंने रामपाल घटना का बरवाला का जिक्र किया, 2010 से लेके 2014 तक हमारी सरकार 26 अक्टूबर पर को बनी थी, नवंबर के प्रथम उसकी सप्ताह की यह घटना थी, 2010 से लेके 2014 तक कोर्ट ने 42 सम्मन दिए हुड्डा साहब की सरकार को कि रामपाल को कोर्ट में पेश करो, ये पेश नहीं कर पाए, हमने कानून का सम्मान किया, जो सख्त से सख्त कदम उठाकर भी उस व्यक्ति को पकड़ के जेल के अंदर बंद किया और कानून ने आज उसको अपनी सजा दी। अब मेरे मित्र आते हैं रोहतक में, इन्होंने अलग अलग आरोप लगाए, वो रोहतक के लोग जानते हैं किसने क्या किया, परंतु मेरे मित्र को ध्यान रखना चाहिए, हम आपके जैसे नहीं हो सकते, आपने 3500 सिखों को जिंदा जलने दिया, एक गोली नहीं चलाई रिकॉर्ड पे पूरे देश में, हमने अगर रोहतक में किसी ने कानून अपने हाथ में लिया तो गोली चलाने की अवस्था पड़ी तो गोली भी चलाई, परंतु आपने 3500 लोगों को जिंदा जलने दिया, उनके गले में टायर डाल के जलाया गया, उसमें पूरे के पूरे परिवार खत्म हो गए, अगर आप उसको कानून का पालन करना कहते हैं तो यह साधुवाद आपको हरियाणा और देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी, ठीक है। दूसरा, जहां तक बात आया था पंचकुला का, राम रहीम के प्रवक्ताओं ने खुद कहा, जिसमें मैं भी था, एक अंतिम शब्द उन्होंने ये कहा कि जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया, सरकार ने उसमें काम किया, और उन्होंने कहा कि हमारे इसमें कुछ असामाजिक तत्व आ गए थे, यह मैं नहीं कह रहा मेरे मित्र, ये जो उस समय उनके प्रवक्ता बैठते थे मिस्टर मिश्रा, उन्होंने हर चैनल पर इस बात को बार बार दोहराया है।
ठीक है, आज कांग्रेस की गुटबाजी पे ही रहते हैं हम लोग, थोड़ा सा मुद्दे से भटकते हैं। शिव कुमार शर्मा जी आपके पास भी मैं आ जा रहा हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि एक ऐसी पार्टी जिसने हरियाणा के अंदर इतने लंबे समय तक शासन किया, आज बहस का विषय यह हो गया है कि दरअसल आज अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके बीच में कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है, ये स्थिति क्यों बनी और किस प्रकार से देख पा रहे हैं, और अब जो एक बार फिर से एकता की बात कही जा रही है, क्या आपको लग रहा है क्योंकि चुनावों में बहुत कम समय बचा है, ऐसे में एक हो पाना कांग्रेस पार्टी का इतना आसान है, इतनी राह आसान आप हरियाणा के अंदर देख पा रहे हैं? बिल्कुल, जो सरकार से बाहर आने के बाद में कांग्रेस में जो गुटबाजी शुरू हुई थी वो जो एक स्टार्ट कहते हैं ना, वो चरम सीमा पे लगातार पहुंच चुकी है, क्योंकि उनको कंट्रोल सेंटर की तरफ से या राहुल गांधी की तरफ से किसी तरफ से नहीं किया गया। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो हुड्डा साहब का जो अपना एक फैक्टर है, जो उनके समर्थक हैं विधायक, वो उनके काबू में रहे, और राहुल गांधी की तरफ से सेंटर की तरफ से और जो किरण चौधरी जी को नेता प्रतिपक्ष मतलब नेता की बदल की नीति उनको चुन लिया गया, उनकी कभी भी मीटिंग में उनका उसमें उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, इधर किरण चौधरी अशोक तंवर के बीच में एक होके और आगे संगठन को बढ़ाने के लिए जो रहा, जो हुड्डा गुट में भी जो मतलब दो दो गुट हुए, इसके बाद में किरण चौधरी का अशोक तंवर का मेरे ख्याल से आजकल अलग अलग हो गया है, इधर शैलजा जी का अपनी तरफ से सिस्टम चल रहा है, अब लास्ट में आके सुरजेवाला जी भी अपना दावा ठोक दिया कि भाई मेरे को अगर जिता दो मैं भी सीएम के, तो अब गुलाम नबी आजाद के ऊपर बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ा एक वो हो गया है कि किस तरह से बहुत कम समय में इनको कंट्रोल करेंगे। अब आप देखो ना, कभी अभी हुड्डा साहब जब से गुलाम नबी आजाद बने थे दो बार अपने विधायकों को लेके उनके यहाँ हाजी भी मार चुके हैं और लिख के भी दे दिया है कि भाई अशोक तंवर जो हैं काम नहीं करें, उन्हें हटाओ और नए बंदे को जिम्मेदार, उसमें नए बंदे में कौन, वो खुद। तो खुद जब ये बात आ जाती है आदमी के अंदर में आ जाती है कि मुझे ही दो, मुझे ही दो, और दूसरे की अगर बात करें, दूसरे का नाम लें तो उस पर तो विचार भी हो सकता है, जहां मैं वाली बात आ जाए, हर कोई अपने हित के बारे में सोच रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी इनके अंदर गुटबाजी खत्म हो पाएगी, इसका खामियाजा आगे जो चुनाव है उसमें कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। ठीक है तरुण जी, अब आप शिव कुमार जी की बात का जवाब दें, क्योंकि यही सवाल लगातार उठ रहा है, क्योंकि जो गुटबाजी है जिसको खत्म करने की बात कही जरूर जा रही है लेकिन वो नजर नहीं आ रही धरातल पर। ऐसा यूज जी, आज कांग्रेस की गुटबाजी भी आपने चर्चा करी है, बड़ी अच्छी बात है और अच्छा साइन है, क्योंकि चर्चा उसी बात की होती है जो मजबूत होता है, दूसरे की चर्चा नहीं होती। आज सरकार में भी गुटबाजी है और इनके तो परिवार ही दो फाड़ हो गए अपने, उसमें चर्चा नहीं है, आज कांग्रेस पे चर्चा अच्छी बात है। मैं बताना चाहता हूं, इसी तरह की चर्चा 2005 में भी चलती थी कि आपके कितने मुख्यमंत्री, अवतार सिंह भड़ाना, राव इंदरजीत सिंह, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चौधरी, भजन लाल चौधरी, वरिंदर सिंह, सब लोगों के, शमशेर सिंह सुरजेवाला, सबके नाम लिए जाते थे और यही पार्टियां तब कहती थी कि इनकी गुटबाजी है और चुनाव नहीं जीत पाएंगे। हमने 70 सीटें जीती और इन सबका सुपड़ा साफ हुआ। 1991 में भी यही बातें करती, तब भी हमारे इतने कैंडिडेट थे और तीन स्टेटें जो हमने जीती हैं वहां भी गुटबाजी हरियाणा से ज्यादा बताई जाती थी, परंतु वहां भी हमने चुनाव जीता। राजस्थान में भी हमारे मुख्यमंत्री के दावेदार 6 से 7 थे, मध्य प्रदेश में भी ज्योतिराज सिंधिया और कई और लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, इसी ढंग से छत्तीसगढ़ में भी हमारे मुख्यमंत्री कई बनना चाहते थे, परंतु आप देखिए जैसे ही हाईकमान ने फैसला किया सब लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो गए और उन लोगों का सहयोग कर रहे हैं। इसी ढंग से कांग्रेस की खूबसूरती है कि लोकतंत्र में, इनकी कांग्रेस पार्टी में हर आदमी अपनी आवाज रख सकता कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, परंतु जब हाईकमान फैसला कर देती है तो वो सबको मान्य होता है। तरुण भंडारी जी, फिर इसी के साथ एक सवाल ये जुड़ा हुआ है, अगर आप तमाम स्टेट के एग्जांपल्स दे रहे हैं कि वहां पे भी गुटबाजी थी लेकिन आप सरकार बना ले गए, लेकिन फिर हरियाणा के अंदर ऐसा क्या हुआ कि जीन चुनावों में आप लोग तीसरे चौथे पायदान पर खिसकते हुए चले गए, निगम के जो चुनाव हुए उसमें भी कहीं नजर नहीं आ रहे, कहीं तो कुछ कमी है, इस चीज को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे फिर आप लोग? आयुष जी, ये भी बिल्कुल सही जवाब है आपका और मैं इसका आंसर दूंगा। सुनिए, नगर निगम चुनाव की जहां तक बात है, हमने कभी भी आज तक सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा और हमारे हाईकमान ने, हमारा भी मन था कि हम सिंबल पर लड़े, अगर सिंबल कहा था, सिंबल पे हम लड़ते तो आज डिसीजन कुछ और होता, परंतु हम नहीं लड़े। जींद की बात जहां तक करते हो, जींद की हम कांग्रेस पार्टी की सबसे वीक सीट रही है, कभी भी हमने चुनाव वहां नहीं जीता, मांगेराम गुप्ता खुद अपने दम पे वो चुनाव जीतते रहे हैं, हमारा कोई भी कैंडिडेट, पिछली बार हमारी जमानत जब्ती वहां पे, और भारतीय जनता पार्टी ये खेल इस बार तीनों पार्टियों ने मिलके खेला है। मैं पूछना चाहता हूं INLD के भाई से कि 3000 वोट दो पार्टियों की,
जहां बसपा की वोट 15,000 थी और आपका विधायक था, वहां आपकी वोट 3,000 रह गई, और क्या कारण था? क्या आपने किसी पार्टी को यह वोट ट्रांसफर तो नहीं कर दी? और जेजेपी के भाई पहले मांगेराम गुप्ता जी को चुनाव लड़ाना चाहते थे, परंतु इन्होंने भी जैसे हिसार में भारतीय जनता पार्टी की मदद करी, इन्होंने भी जाति का पूरा समीकरण खेला। इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की जाति से कैंडिडेट आएगा वही हम उतारेंगे, और अपना परिवार का उम्मीदवार वही लेके आए, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। ये दोनों तीनों पार्टियां मिलके चुनाव लड़ी हैं और हमने सबसे वीक सीट पे अच्छा प्रदर्शन किया है, और हरियाणा में आज जनता हमारी तरफ देख रही है। आने वाले चुनाव में लेकिन हारने के बाद भारी बहुमत से चुनाव जीते, हारने के बाद ऐसा असेसमेंट शायद मैं पहली बार सुन रहा हूं। ठीक है, एक एक करके मुझे फाइनल कमेंट लेना। उमेश भाटी जी, आपसे शुरुआत करता हूं। ठीक है, कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है उसका उसको कितना फायदा मिलता है या कितना नुकसान मिलता है, ये आज विषय जरूर था, लेकिन अंतिम कमेंट में ये जरूर चाह रहा हूं कि कांग्रेस की जो तैयारी है वो उसके अपने साथ है, लेकिन आप बताएं कि INLD के प्रवक्ता होने के नाते कि किस तरीके से और खासतौर से बीजेपी जिस बूथ लेवल तक अपनी तैयारियों में लगी है, आप अपनी पार्टी को कहां खड़ा पा रहे हैं? फाइनल कमेंट। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पूरी मजबूती के साथ तैयारी करके हरियाणा के अंदर होने वाले चुनावों में उतरने वाली है। हमारे बीच में जो संगठन की जो मीटिंगें हैं वो शुरू हो चुकी है। बूथ लेवल तक जितनी भी तैयारी होनी है, हर बूथ पे 10 यूथ और जिस तरीके की तैयारियां जो होनी चाहिए थी वो पूरी तैयारी हमारी शुरू हो चुकी है। आज ही जो है ISO का गठन भी हुआ है, जो हमारे जो अपने छात्र जो जीवन से जो लोग राजनीति शुरू करते हैं उनके लिए भी हम लोगों ने शुरुआत कर दी है आज। और यूथ को जिस तरह से जोड़ा जा रहा है, यूथ को उसको भी हमने जोड़ के शुरुआत कर दी है। बीते कहते ना, बीते दिन बिसार दे, तो वो चीजें हमारी जो पीछे थी वो हम खत्म कर चुके हैं। हम नए तरीके से पूरी जिम्मेदारी के साथ में हम हरियाणा के अंदर मजबूती से इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। विवेक जी, जाकर हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। नई पार्टी है, नया संगठन है, बीजेपी की जो तैयारियां हैं, ठीक है, उमेश जी, समय की बाध्यता है मेरे पास, मैं समय नहीं दे पाऊंगा। एक सेकंड सर, मैं भंडारी जी का धन्यवाद करता हूं कि नेशनल चैनल पर उन्होंने एक चीज मानी कि उनके गुटबाजी यहां भी है, और कौन कह रहा है गुटबाजी, सुनने में कमी है आपको, सुन लिया विवेक जी, प्रजातंत्र विवेक जी झूठ बोल रहे, आप दोनों ही झूठे पार्टी के हो, आप तो एक परिवार से निकले, दोनों झूठे हो। सर मुझे फाइनल कमेंट ले लीजिए। तरुण भंडारी जी, हो गया आरोप प्रत्यारोप, हो गया, आप लोगों ने आधे एक घंटा पूरा यही किया, ठीक है। विवेक जी सवाल मेरा आपसे भी यही है कि जो तैयारी, जिस तैयारी के साथ तमाम बड़ी पार्टियां हैं, आप लोगों की पार्टी अभी बनी है, क्या तैयारी आप लोग कर पाए हैं और कहां पर अपनी पार्टी को आप लोग खड़ा पा रहे हैं? नहीं, हमारी तैयारी पूरी है, और जींद में भी आप देख ही चुके हैं किस तरह से रिजल्ट रहा है। और भंडारी जी अभी कह रहे थे कि इन्होंने कैंडिडेट ऐसे उतार दिया, वैसे उतार दिया, हमने तो अपने कैंडिडेट को वोट डलवाई है, तभी दूसरे नंबर पे आए हुड्डा साहब की तरह बीजेपी को वोट दूसरे, पहले से दूसरे, आप बात करते हैं हुड्डा साहब की तरह बीजेपी को वोट चुनाव जीता हुआ आपकी पार्टी का आदमी सेकंड नंबर पे आ चुका है, आपके परिवार का 10 यूथ का हमारा कार्यक्रम पूरा कंप्लीट हो चुका है, 28 तारीख तक हमारा संगठन कंप्लीट हो जाएगा, और आने वाले चुनाव के लिए हमारे लोकसभा के प्रभारियों की ड्यूटियां सारी लगी हुई है, और जल्दी ही सारा संगठन 28 तारीख तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, और चुनाव के लिए हम तैयार हैं। ठीक है जवाहर जी, आपका भी फाइनल कमेंट, आश्वस्त हैं पूरा, और जो तैयारियां और जिस जिन मुद्दों के साथ आप लोग चल रहे हैं, आप लोग को आश्वस्त और आश्वासन आप लोग को लग रहा है कि जीत आप लोग की है, और कोई कम से कम हरियाणा के अंदर आप लोग को सामने अपने नजर नहीं आ रहा? एक तो मेरे मित्र तरुण भंडारी जी को थोड़ा सा संशोधित कर लेना चाहिए कि उन्होंने कहा कि 2005 के विधानसभा चुनाव में इनकी 70 सीटें आई थी, तो मुझे लगता है ये जानकारी इन्होंने गलत दी थी कि उनकी 70 सीटें आई थी, 67 सीटें गई हैं मैंने 67। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी का आप खुद भी कह रहे हैं, आपने 70 कही जी, आपने 70 कही थी साहब, मैं आगे ठीक है सर, आप रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, भारतीय जनता पार्टी का समय जवाब दीजिए, आप अपना फाइनल कमेंट दीजिए, क्योंकि फिर मुझे कार्यक्रम कार्यकर्ताओं पे आधारित, पांच हमारे इंडिपेंडेंट भी जीते, ठीक है सर, कार्यकर्ताओं पे आधारित पार्टी है, संगठन और सरकार दोनों मिलकर मई में मोदी जी और अक्टूबर में खट्टर साहब दोनों वापिस आएंगे और दोबारा से केंद्र में और हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी। ठीक है, मैं विवेक चौधरी जी आपके पास मैं आ चुका हूँ, लेकिन शिव कुमार शर्मा जी आपसे भी मैं बिल्कुल ये चाह रहा हूँ कि आप भी अपना फाइनल कमेंट दे दें कि जो तैयारियां हैं और खासतौर से जिस तरीके से जो तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं, बीजेपी का तोड़ किसी पार्टी के पास आपके आपको नजर आ रहा है इस वक्त? बिल्कुल आयु जी, इस समय जो इनलो और जजपा का, जो मैं बताऊंगा कि इनलो की तरफ से टूट कर जजपा बनी है,
तो इनलो में जो पोस्टें जो खाली हो रही हैं, कार्यकर्ता इधर से उधर जो शिफ्ट हो रहे हैं, ये उस इनलो उस भरपाई में लगी रहेगी क्योंकि समय बहुत कम है। इधर जजपा के पास में क्योंकि नई पार्टी है, पोस्टें बहुत हैं और हर लेवल पे इनको पदाधिकारी रखने हैं, तो इधर उधर से जुगाड़ करके उन पदों को भरने की जजपा कोशिश में लगी रहेगी। बात अगर हम बीजेपी की करें तो जैसे आज जवाहर यादव जी को भी एक नई जिम्मेदारी मिली है, ये एक संगठन का काम जो उनको संभालने के लिए है। इसी तरह से बीजेपी काफ़ी समय से लोकसभा और विधानसभा को चुनावों को लेकर तैयारियों में जुटी हुई थी, तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ हद तक बीजेपी अपनी जगह पे को मजबूत कर चुकी है। बूथ लेवल पे भी ये लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अब बात चूंकि कांग्रेस की आज चल रही है, तो कांग्रेस के लिए बहुत ही चिंतन और मनन का एक समय चल रहा है। यहाँ पर सभी जो जितने भी कद्दावर नेता हैं उनको एक मत हो गया अपने अपने इलाके से, जैसे हुड्डा साहब का रोहतकगढ़ कह देते, रोहतक सोनीपत, सुजयवाला जी का अपना इलाका है, किरण जी का अपना है, शैलजा जी का अपना है, तो यहाँ अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे से काम करने की इन्हें बहुत जरूरत है, तभी ये लोग थोड़ी सी विधानसभा लोकसभा में पोजीशन बनाने की स्थिति में आ पाएंगे। अशोक तंवर जी को भी जो जिस तरह से जो गुटबाजी है उसमें जो संगठन को नहीं खड़ा कर पाए, उन्हें भी राहुल जी के समक्ष या नए प्रभारी उनके आए हैं आजाद जी, उनके समक्ष सारे रिपोर्ट कार्ड रख के और प्रॉपर जितनी भी सीटें हैं जिनके जो संगठन में जो जगह बची है उनको भरपाई करनी चाहिए, बूथ लेवल उन्हें काम करने की बहुत सख्त जरूरत है। ठीक है, तरुण भंडारी जी आपका भी बिल्कुल फाइनल कमेंट, गुटबाजी से निकल करके और बीजेपी का तोड़ और उसको हरा पाना कहां पर खड़ा पा रहे हैं, एकदम फाइनल कमेंट में आपका। आयुष जी, कांग्रेस का संगठन की बात है, कांग्रेस का संगठन लगातार जितने धरने प्रदर्शन इस कांग्रेस के संगठन ने किए हैं, जितनी रैलियां कांग्रेस के अध्यक्ष ने करी हैं, जितने कार्यक्रम कांग्रेस के अध्यक्ष ने किए हैं, लाते मारी हैं, पहले तो जेजेपी के प्रवक्ता से पूछ ले इन्होंने क्या बोलना है, ये अपने वक्त में तो आपने तो बोला, सुनिए इनको तो दादा दादी का नहीं पता, इन्होंने दादा दादी ने हमें आशीर्वाद दिया, क्या आशीर्वाद दिया, क्या वीडियो देखी थी, विवेक जी को फाइनल कमेंट देने दीजिए, ठीक है हो गया, विवेक जी मैंने आपको बहुत समय दिया अब आप उसको बोलने दीजिए, देखा कौन सा आशीर्वाद उन्होंने दिया था, विवेक जी थोड़ा शांत हो जाइए, तरुण भंडारी जी को अभी आप चुनाव हार गए बोल लेने दीजिए, अभी हारने वाले आप, ऐसे लग रहे हो जैसे जीत गए, आपकी तरह नहीं, आपका तो संगठन है ना डंडा है ना झंडा है ना पार्टी, आप अपने आप मान चुके हैं, आप कौन सी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ठीक है पिछली बार आपका नाम भी नहीं पता, जमानत जब्त पार्टी है, ठीक है चलिए इन्हीं आरोप प्रत्यारोप के साथ मुझे इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करना होगा। मैं अपने सारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, इससे चर्चा का हिस्सा बने, हालांकि ये जो आरोप प्रत्यारोप हैं या आगे आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे लोकसभा के हों या विधानसभा के हों, उनके अंदर भी ये देखने को मिलेंगे, लेकिन इस सारे चीज़ों के बीच में जो एक सबसे अहम सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी जिस गुटबाजी से आगे निकलने की बात कह रही है उससे वो किस प्रकार से निकलती है और कैसे जो तमाम पार्टियाँ हैं उनके लिए एक चुनौती बनकर हरियाणा के अंदर पेश आती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ, नमस्कार।